गाइस, क्या आप टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या फिर लैपटॉप लेना चाहते हैं? पैसे आपके पास नहीं है और ना ही क्रेडिट कार्ड है। लेना चाहते हैं अपना एक नया स्मार्टफोन, क्या करें? समझ नहीं आ रहा आपको? तो गाइस, आज आप ये वीडियो पूरा देख लो, क्योंकि आपका भाई आज आपको यहां पर बताने वाला है एक ऐसी फाइनेंस कंपनी के बारे में जहां पर आप ले सकते हैं पूरे 2 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट, जिसको आप यूज कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। मेरे पास काफी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमें एक ऐसी कंपनी के बारे में बता दीजिए, हमें चाहिए अपने घर की जरूरत का कोई प्रोडक्ट, जैसे कि वो कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, हमारे पास पैसे नहीं है और ना ही क्रेडिट कार्ड है। तो गाइस, आपका भाई आज आपको यहां पर एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बताएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं अपने घर की जरूरत का कोई भी सामान, फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट तक, तो ये वीडियो पूरा देख लो, ले लो यहां पर क्रेडिट लिमिट और घर बैठे आप ले सकते हैं कोई प्रोडक्ट 0% इंटरेस्ट पर। आपने बिल्कुल सही सुना, 0% इंटरेस्ट पर आपको सभी प्रोडक्ट मिल जाते हैं। जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको लिमिट मिलती है, सेम उसी तरीके से आपको यहां पर भी क्रेडिट लिमिट मिलती है, जिसको आप 0% इंटरेस्ट पर यूज कर पाएंगे। गाइस, अगर आप लेना चाहते हैं क्रेडिट लिमिट, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं कैसे लेते हैं क्रेडिट लिमिट, जिसको हम यूज कर पाए ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक तो इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी फिर आपकी समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उसके बाद आपको यहां पर ये बताऊंगा कैसे आप 0% इंटरेस्ट पर लिमिट को यूज कर पाएंगे। जिस कंपनी के बारे में आपको यहां पर बताने वाला हूं, उस कंपनी का नाम है जस्ट मनी। शायद आप इस एप्लीकेशन को जानते होंगे, जस्ट मनी आपको दिखाई दे रही है अभी स्क्रीन पर। आपको क्या करना है, एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जाएंगे प्ले स्टोर में, यहां पर जाने के बाद आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी जिसका नाम है जस्ट मनी बाय नाउ पे लेटर। अगर आप इस एप्लीकेशन को जानते हैं, आपने यहां से पहले से ले रखी है क्रेडिट लिमिट, तो आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है जस्ट मनी और आपने अभी तक यहां पर लिमिट नहीं ली है, तो वीडियो पूरा देख लो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप यहां पर इंस्टेंटली क्रेडिट लिमिट ले सकते हैं। मुझे यहां पर लिमिट मिली है, कितनी मिली है मैं आपको यहां पर वो भी बताऊंगा। आपको क्या करना है, अपने पास रख लेना है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल। आपको यहां पर नेट बैंकिंग के जरिए वेरिफिकेशन भी करनी होगी आपके इनकम को, जो भी आप यहां पर बताएंगे, और वो मोबाइल नंबर आपको यहां पर अपने पास रखना है जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होगा। उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जी हां गाइस, मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो यार, आपका भाई आपके लिए मेहनत करता है। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल जाए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। अगर आप देखेंगे गाइस स्क्रीन पर, बहुत जबरदस्त वाली ये वाली एप्लीकेशन है, 4.2 रेटिंग और 5,000,000 डाउनलोड की जा चुकी वाली एप्लीकेशन है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप अपनी घर का जरूरत का कोई भी सामान ले सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, चाहे वो फर्नीचर का सामान हो, कुछ भी हो आप ले सकते हैं। आपको अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करना है, दूसरा नया स्मार्टफोन लेना, तो आप यहां से लिमिट लेकर उसको ले सकते हैं 0% इंटरेस्ट पर। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आप यहां पर कुछ भी ले सकते हैं। लिमिट जब आपको मिल जाए, कुछ ऐसी आपको दिखाई देगी जैसे भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, 1.5 लाख की लिमिट आपको मिल सकती है, 2 लाख की लिमिट मिल सकती है, डिपेंड करता है आपके एलिजिबिलिटी के ऊपर, आपका सिविल स्कोर कैसा है। ठीक है, मैं आपको यहां पर सब कुछ बताऊंगा कैसे आपने यहां पर लिमिट लेनी है और कैसे आपने उसको यूज करना है। तो गाइस, आपको यहां पर क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस, जो एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस आपको यहां पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहां पर आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां पर अपना वो मोबाइल नंबर यहां पर डालना है जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपके इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी ऑटोमेटिकली यहां पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने इस एप्लीकेशन को परमिशन देनी होगी, अलाउ करना होगा, जितनी बार भी अलाउ करने के लिए बोले। आप यहां पर देख सकते हैं गाइस, आप यहां पर केवल 4 स्टेप कंप्लीट करने के बाद यहां पर क्रेडिट लिमिट ले सकते हैं। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल देनी होगी, इनकम वेरिफिकेशन करनी होगी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होगी, ऑटो पे सेटअप आपको यहां पर करना होगा। ये 4 स्टेप जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको यहां पर इंस्टेंटली मिल जाएगी क्रेडिट लाइन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू गेट क्रेडिट लिमिट पर आपने क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू टू गेट क्रेडिट लिमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहां पर सबसे पहला जो स्टेप है, जिसके अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, वो कंप्लीट करना है। यहां पर आपको पर्सनल डिटेल देने के बाद, आधार कार्ड की डिटेल देने के बाद, उसके बाद गाइस आपको यहां पर अपना कंप्लीट एड्रेस डालना होगा, जो आपके आधार कार्ड के अंदर हो, आपके पैन कार्ड के अंदर हो, सॉरी आपके आधार कार्ड के अंदर हो। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देंगे यहां पर एड्रेस प्रूफ में, उसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए।
जब आप यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस सही तरीके से फिल कर देंगे, गलत एड्रेस नहीं देना है, एक बात का ध्यान रखना है, जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर एड्रेस हो वही एड्रेस आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर अपना एड्रेस दे देंगे उसके बाद गाइज आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे यानी कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद अब आपको यहाँ पर चूज करना है आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड स्टूडेंट है, मंथली इनकम आपको बतानी है, आप एक महीने में कितना खर्च कर देते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। हाउसमेट्स है, जो भी है आपने नीचे डिटेल सही देनी है और कंटिन्यू करना है। ये डिटेल भी आपने बिल्कुल सही देनी है, डिटेल सही देने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। गाइस जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपके सामने आएगा उसके अंदर आपको यहां पर अब अपनी बैंक अकाउंट डिटेल देनी होगी, ठीक है। गाइस जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद अब आपको यहां पर अपनी कंप्लीट डिटेल देख लेनी है, कोई गलत तो नहीं है। अगर आपकी डिटेल गलत नहीं है तो उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद गाइस अब आपको यहां पर अपनी नेट बैंकिंग के जरिए वेरिफिकेशन करनी होगी। आपको यहां पर अपने बैंक अकाउंट चूज करना है, सेविंग है, करंट है, जो भी है, अपनी बैंक अकाउंट का आपको नंबर यहां पर डालना होगा, सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहां पर इनकम को वेरिफिकेशन करने के लिए अपनी नेट बैंकिंग करनी होगी। और गाइस जैसे आप यहां पर नेट बैंकिंग करेंगे, नेट बैंकिंग करने के बाद इंस्टेंटली आपको यहां पर ऑफर मिलेगा लोन के लिए। अगर आपको यहां पर ऑफर मिलता है लोन के लिए गाइस, तो उसके बाद आपको यहां पर केवल ई साइन एग्रीमेंट करना है, ई मैंडेट करना है और आपकी डेट लिमिट एक्टिवेट हो जाएगी, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मुझे यहां पर पहले से लिमिट मिली हुई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 52,000 रुपए की लिमिट मुझे यहां पर मिली हुई है। मैंने आपको यहां पर यह बताया कि भाई आप कैसे कैसे जो है स्टेप कंप्लीट करने के बाद यहां पर क्रेडिट लिमिट ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, इस तरीके से आप जो है कंप्लीट स्टेप कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद आपको इंस्टेंटली यहां पर लिमिट मिलेगी। मुझे मिली है 52,000 रुपए की लिमिट। मैंने यहां पर अभी तक कोई भी लोन, मतलब मेरा लोन कोई भी एक्टिव नहीं है, मैंने यहां पर बहुत सारे लोन लेने के बाद में उनको क्लोज कर दिया है, ठीक है। अगर आप शॉपिंग में जाएंगे, गाइस शॉपिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं इस लिमिट को, नो कॉस्ट टीएमआई आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप नो कॉस्ट टीएमआई पर जाएंगे तो गाइस देखिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर अभी नो कॉस्ट टीएमआई का ऑफर चल रहा है, अमेजोन पर नो कॉस्ट टीएमआई का ऑफर चल रहा है, यानी नो कॉस्ट टीएमआई में यहाँ पर तकरीबन जितनी भी आपको यहाँ पर ये ऑनलाइन स्टोर दिखाई दे रही है गाइस, यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्टोर है जहां पर आप अगर शॉपिंग करते हैं तो आप जैस मनी को वहां पर यूज करें। यहाँ पर गाइस आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर जाकर जीरो कॉस्ट ईएमआई पे यानी नो कॉस्ट ईएमआई पर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। प्रोडक्ट खरीदना बहुत ही सिंपल और आसान है। यहाँ पर मान लीजिए हम शॉपिंग करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट पर, तो आपने फ्लिपकार्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप फ्लिपकार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर ही बोलेगा भाई आपके सामने दो ऑप्शन है, चाहे तो आप यहाँ पर वाउचर क्रिएट कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट के अंदर जाकर शॉपिंग कर लीजिए। डायरेक्टली फ्लिपकार्ट के अंदर जाने के बाद आप कैसे शॉपिंग कर सकते हैं और क्रिएट वाउचर का मतलब क्या है, चलिए आपको पहले ये बताता हूँ। क्रिएट वाउचर का मतलब है गाइस आप यहाँ पर एक गिफ्ट कार्ड लेंगे, चाहे वो 10,000 रुपए का हो चाहे वो 20,000 रुपए का हो, यानी आपको मान लीजिए शॉपिंग करनी है 5,000 रुपए की, आप यहाँ पर एक 5,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर क्रिएट कर लीजिएगा, फ्लिपकार्ट पर जाइएगा, रिडीम कीजिएगा और शॉपिंग कर लीजिएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, अगर आपने एक बार यहाँ पर गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर लिया उसके बाद आप उसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टली अगर आप फ्लिपकार्ट के अंदर जाकर शॉपिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर फायदा क्या मिलेगा, बाय चांस अगर आपका वो प्रोडक्ट कैंसिल हो जाता है जिसको आप खरीदना चाहते थे और आपने खरीद लिया था जेस्ट मनी को यूज करके और वो कैंसिल हो गया, तो आपकी ईएमआई भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। ये फायदा आपको मिलता है डायरेक्टली शॉपिंग करने का फ्लिपकार्ट पर। दूसरी बात, वहां पर थोड़ा इंटरेस्ट भी कम होता है। कैसे शॉपिंग कर सकते हैं, देखिए तरीका दोनों में सेम ही है, चाहे आप फ्लिपकार्ट पर कीजिए चाहे आप अमेजोन पर कीजिए, तरीका दोनों में सेम है, चाहे आप क्रिएट वाउचर ले लीजिए चाहे आप डायरेक्टली अमेजोन पर जाकर शॉपिंग कर लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूं, अगर मैं फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करूं, गो टू फ्लिपकार्ट पर क्लिक करूं तो यहां पर अलाउ परमिशन करना होगा, इसको अलाउ करना होगा जितनी बार भी अलाउ करने के लिए बोले। यहां पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जस्ट मनी के अंदर आपका जो ईमेल आईडी, जो मोबाइल नंबर लिंक है, जो रजिस्ट्रेशन है आपका, वही मोबाइल नंबर वही ईमेल आईडी आपके आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट के साथ भी लिंक होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए हम शॉपिंग करना चाहते हैं यहां पर, भैया 19,999 रुपए का यहां पर एक प्रोडक्ट अभी पड़ा है मेरे कार्ट में, मैं कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद आपको सेम ऐसे ही करना है, पेमेंट में जाना है। पेमेंट में जब आप जाएंगे गाइज तो आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ईएमआई में आपको जाना है, यहां पर आप देख सकते हैं गेट डेबिट और कार्डलेस ईएमआई ऑन जेस्ट मनी का टैब आपको दिखाता है ना, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देख सकते हैं जेस्ट मनी का ऑप्शन यहां पर आ चुका है। अब आपको यहां पर केवल अपना टेनर चूज करना है, कंटिन्यू करना है, ओटीपी डालनी है और आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली यहां पर हो जाएगी। सेम यही तरीका आपको अमेजोन में भी करना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई शॉपिंग भी करके यहां पर दिखा दीजिए हमें, तो अलग से बोल दीजिएगा, शॉपिंग भी करके आपको यहां पर दिखा दूंगा। एक और अच्छी बात आपको यहां मिलती है, आप यहां पर अपना फ्री में सिबिल स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो गाइज आप इस तरीके से जेस्ट मनी के अंदर अकाउंट बनाकर अपना कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से, जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से आप शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कैसे आपने यहां पर स्टेप बाय स्टेप
क्रेडिट लिमिट लेनी है सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर लिमिट ले लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं। तो गाइस ये थी वीडियो कैसे आप जस्ट मनी के अंदर अकाउंट बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए बस इतना ही।